अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कॉफिंग वाइटनिंग मास्क, और ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टीस्पून हनी चाहिए। और जो कॉफ़ी होती है वो हमें स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये हम डालेंगे इसमें लेमन हमने हाफ़ डालना है, 1 टेबल स्पून डालना है, तकरीबन हाफ होता है ये। हमने इसके बीज निकाल लेना है और इसे निचोड़ लेना है, इससे जो हमारी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हमारी टू टोन स्किन होती है और वो भी रिमूव हो जाती है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, है एक चुटकी, इसे मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन जो बाकी बचा था, इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये क्रीमी सा बैटर तैयार हो गया है, ये देखें। अब हम इसे अप्लाई करते हैं अपने एक हाथ पे, ये देखें मेरा हाथ है, और ये मैंने अप्लाई कर दिया है। इसे ड्राई होने तक तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसकी 5 मिनट रबिंग करेंगे, जैसे हम स्क्रब करते हैं वैसे ही हैंड पे मसाज करेंगे, और ये इसे ड्राई होने देते हैं। 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें मैंने इसे वॉश कर दिया है और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये कितनी ग्लोइंग स्किन, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है और डेड स्किन सेल्स रिमूव हो गई है। और अब हम दूसरे हाथ पे ट्राई करते हैं, इसका रिव्यू आपको दूंगी। एक और हाथ है, इस पर मैं लगा रही हूँ। ऐसे आपने सब तरफ जैसे लगा देना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और आप ये वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए। और मुझे आप रिव्यूज़ दें कि कैसा है। एक बार ही आप ट्राई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा और आपकी स्किन शाइन करना शुरू हो जाएगी। चले मैं दोनों हाथों पे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये मैंने लगा दिया और 20 मिनट बाद इसे धो लेंगे। ये देखें इसका रिज़ल्ट, और सब आप रिव्यूज़ दें और ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।